10 मई 2020 को केंद्र सरकार ने कितने द्वीप देशों की कोविड 19 महामारी से बचाव में सहायता के लिए मिशन सागर का शुभारंभ किया? तो इसका उत्तर होगा 5 देश, और इन 5 देशों में शामिल कौन कौन से हैं, तो मालदीव शामिल है, दूसरा है मॉरिशस, तीसरा है सेशल्स है, ये सारे के सारे जितने भी देश हैं सब हिंद महासागर के देश हैं, और चौथा है मेडागास्कर, पांचवा है कोमोरोस। मई 2020 में केंद्र सरकार ने किसके लिए वंदे भारत मिशन का शुभारंभ किया? तो इसका उत्तर होगा विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। और अगला है कि 5 मई 2020 को किसके सहयोग से नीति आयोग ने कोविड 19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान की शुभारंभ किया? तो इसका उत्तर होगा पीरमल फाउंडेशन। 10 अप्रैल 2020 को किसने देश में ऑनलाइन शिक्षा के जरिए लोगों को आपस में जोड़ने के लिए भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान का शुभारंभ किया? तो इसका उत्तर होगा मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। 23 मार्च 2020 को फीफा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर कोविड 19 के विरुद्ध एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में किस भारतीय फुटबॉलर को शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर होगा सुनील छेत्री। और देखिए, इस तरह के सवाल में कभी कभी भी नाम मिलान करने के लिए आ जाता है, तो अगर मान लीजिए पेपर में सुनील छेत्री का नाम दे दे मिलान करने के लिए, तो उनका मिलान जो है वो फुटबॉलर से होगा। 17 से 21 नवंबर 2019 के मध्य भारत तथा किस देश की नौसेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जायर अल बहर आयोजित हुआ? तो ये भारत और कतर के बीच में आयोजित हुआ है। 4 से 7 नवंबर 2019 के मध्य किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति आयोजित हुआ है? तो समुद्र शक्ति आयोजित हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। इसको आप I2 से भी याद कर सकते हो या I2 से याद कर सकते हो। I2 का मतलब है, I का मतलब इंडिया, और दूसरे I का मतलब हो जाएगा इंडोनेशिया। 8वां नंबर सवाल है कि 21 अक्टूबर से 13 नवंबर 2019 के मध्य भारत देश की किस सेना के मध्य संयुक्त नौसैन्य अभ्यास शक्ति 2019 आयोजित हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच की नौसेना के मध्य में अभ्यास शक्ति युद्धाभ्यास आयोजित हुआ। 17 से 23 अक्टूबर 2019 के मध्य भारत तथा किस देश की वायुसेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सैन्यु मैत्री आयोजित हुआ? तो सैन्यु मैत्री भारत और जापान के बीच में आयोजित हुआ है, जिसमें वायुसेना का जो है वो प्रतिभाग हुआ था, यानी कि पार्टिसिपेट जो हुआ था वो वायु सेनाओं के द्वारा हुआ था। 13 से 28 अक्टूबर 2019 के मध्य भारत व किस देश की मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2019 का आयोजन किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अगला है कि 9 से 11 अगस्त 2019 के मध्य रेलवे सुरक्षा बल द्वारा देश भर के रेलवे स्टेशनों पर पार्किंग में खड़े बिना दावे और पहचान वाले वाहनों के निपटारे हेतु चलाया गया विशेष अभियान क्या है? तो इस विशेष अभियान का नाम है ऑपरेशन नंबर प्लेट। 1 जुलाई से 12 जुलाई 2019 के मध्य किन देशों की वायुसेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास गरुण 6 2019 संपन्न हुआ? तो गरुण 6 2019 भारत और फ्रांस के बीच में संपन्न हुआ है। और इसी वीडियो में हम संघ संगठन से संबंधित 8 सवाल हैं टोटल, उनका भी डिस्कशन कर लेते हैं। 7 मई 2020 को ब्रिटेन की ग्लैसो स्मिथ क्लाइन PAC ने भारतीय FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में अपनी 5.7% हिस्सेदारी शेयर बाजार में कितनी राशि में विक्रित की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा $3.35 बिलियन। अगला है कि अप्रैल 2019 में फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की दूर संचार इकाई रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी कितनी राशि में खरीदी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा $5.7 बिलियन, यानी कि $5.7 बिलियन में फेसबुक ने जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की दूरसंचार इकाई है रिलायंस जियो में 9.99% की हिस्सेदारी ले चुका है फेसबुक। 17 अप्रैल 2020 को किस कंपनी ने ब्रिटेन की आइकॉनिक स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण पूरा किए जाने की घोषणा की? तो इसका उत्तर हो जाएगा TVS मोटर कंपनी लिमिटेड। और नेक्स्ट है कि नॉर्दर्न कोल्डफील्ड्स लिमिटेड का भारत के कोयला उत्पादन और तापीय विद्युत उत्पादन में कितना योगदान है? तो कोयला उत्पादन में इसका योगदान 15% है, वहीं तापीय विद्युत उत्पादन में इसका योगदान जो है वो टोटल 10% है। और अगला है कि 3 फरवरी 2019 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने यम रेस्टोरेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और किस कंपनी के प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी प्रदान की जो कुछ इक्विटी शेयर होल्डिंग के अधिग्रहण और कुछ
KFC रेस्टोरेंट की बिक्री से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। और अगला है कि 27 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने पुनर्गठित एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र के तहत एयर इंडिया की कितनी हिस्सेदारी को विक्री करने का फैसला लिया है? तो इसका उत्तर होगा 100%, 100%, यानी कि एयर इंडिया में अब प्राइवेटाइजेशन निजीकरण को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। 24 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन के संविधान में किस अतिरिक्त प्रोटोकॉल को शामिल किए जाने की पुष्टि की गई है? तो इसमें 10वें क्या कहते हैं कि अतिरिक्त प्रोटोकॉल को शामिल किए जाने की पुष्टि की गई है। दिसंबर 2019 में वैश्विक इस्पात कंपनी आर्सेलर मित्तल ने एसआर स्टील इंडिया लिमिटेड का अधिग्रहण पूरा किया। इसके साथ ही निप्पन स्टील कारपोरेशन के साथ संयुक्त उद्यम आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया, यानी कि आर्सेलर मित्तल ने एसआर स्टील इंडिया लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया। तो अब मिलाकर के दोनों को मिलाकर के बना दिया गया है आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड। तो इसका गठन किया गया, कह रहे हैं कि इस संयुक्त उद्यम में आर्सेलर मित्तल की हिस्सेदारी कितनी है? तो आर्सेलर मित्तल की हिस्सेदारी जो पूरी की पूरी है वो है 60%।